आज हम एक मशीन पे ट्रायल करेंगे अपना B17 मॉडल, B17 मॉडल है हमारा, 1 mm से लेकर के 55 mm तक का। और इस पे जो आज माल निकालेंगे हम अपना, वो निकालेंगे फिल्टर, जो टावर के अंदर फिल्टर आता है, जिसके अंदर काली PVC होती है पिक्कस वाली, फिर कॉपर का पाइप होता है, फिर अंदर फोम होती है, और उसके बाद फिर कॉपर का पाइप होता है। तो मैं मशीन पे आज इस मशीन पे आपका ट्रायल भी करके दिखाता हूँ, और फिल्टर कैसे कटता है, कैसे काम करता है, क्या एवरेज है। तो पूरी वीडियो के साथ जुड़े रहे, पेन कॉपी ले ले, नोट कर ले कि इसके अंदर क्या क्या एवरेज है। पहले मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा कटा हुआ माल, जो मैंने काट के निकाला था, कुछ इस तरह का होता है ये कुछ इस तरीके का होता है, ब्लैक PVC ऊपर चढ़ी हुई होती है, और उसके बाद ये फोम होती है अंदर में, ये पाइप होता है, और ये आप देख रहे हैं। अब हम इसमें, मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा कि इसके अंदर जो फोम है, ये फोम हमारी सेल होती है, ये वाली फोम हमारी अच्छे रेट में जाती है, इसका कोई खास रेट नहीं होता, ये पिक्कस होता है, ये 3-4 रुपये किलो का मटेरियल है, और कॉपर का रेट तो आप जानते ही हैं। तो ये फिल्टर हमें किस रेट में लेना चाहिए उसके भी बारे में बताऊंगा, और इसके अंदर क्या रिकवरी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको फिल्टर अपनी मशीन में निकाल के दिखाता हूँ। ये M1.5 मॉडल है, 1 mm से लेके 55 mm तक का, ये लेटेस्ट मॉडल है ये हमारा, ये अभी मैंने नया मॉडल हमने तैयार कराया 1 mm से 55 mm तक का। इससे पहले हमारे पास M1.5 था, B15 जो 1 mm से 40 mm तक काम करता था, बट इसमें थोड़ा सा हमने एक्स्ट्रा कर दिया ताकि आप कुछ बड़ा साइज भी निकाल सकें। आपके पास जैसे 40 mm से ऊपर का जाता था तो प्रॉब्लम होती थी कि भाई कैसे निकालें, तो अब हमने ये ऑप्शन दे दिया, 55 mm तक का माल एक ही मशीन के अंदर निकाल सकते हैं। तो मैं आपको फिल्टर निकाल के दिखाता हूँ, ये नया फिल्टर है, ये इस तरीके का होता है। अभी मैंने इसका वेट किया है, ये 120 ग्राम है, और ये मैंने निकाला है, ये अलग चीज़ है, इसका मैं वेट नहीं करूँगा, इसी का करूँगा निकाल करके, आपको बताऊँगा इसके अंदर रिकवरी क्या आई। 100 ग्राम के हिसाब से ही मैं आपको फिर से रिकवरी निकाल के बताऊँगा और इसके अंदर हमारी क्या रिकवरी होती है। तो मैं ये आपको चालू करके दिखाता हूँ और निकाल के दिखाता हूँ मशीन कैसे निकलती है, आप उधर से वीडियो बनाओ। मशीन ने बहुत अच्छे से अपना काम करा है, और ये हमारे 1 के 2 पीस कर दिए फिल्टर ने। अब इसके अंदर हमारा ये पाइप तो हमारा अलग आ गया है, अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारा स्क्रैप हो गया, ये हमारा स्क्रैप हो गया, अलग कैटेगरी का स्क्रैप है। और इसको स्टार्टिंग में बड़ी सावधानी से, क्योंकि ये हाथ काट देगा वरना, इसको ऐसे पकड़ना होता है, ऐसे ये पूरा का पूरा लंबा का लंबा पीस आप निकाल सकते हैं इस तरीके से, पूरा लंबा का लंबा। हाथ बचा करके, लेकिन ये हाथ फाड़ देगा, ब्लेड की तरह काम करता है। अब ये फोम हो गई, ये फोम भी अच्छे रेट में जाती है, इसको हम अलग सेल कर सकते हैं, और PVC को हम अलग। अब हमारा ये कॉपर हमारे हाथ में आ गया, अब मैं इनका सबका वेट आपको करके बताता हूँ। आइए, अब ये टोटल मेरा वेट था, ये 125 ग्राम का मेरा वेट है इसमें। अब मैं आपको बताता हूँ मेरा जो कॉपर निकला है इसमें, ये 65% मेरा कॉपर निकला है, मतलब ये लगभग 60% की रिकवरी है कॉपर की फिल्टर के अंदर, 60%। अब मैं इस फॉर्म की बात, PVC की बात करता हूँ, जो 3-4 रुपए किलो की PVC होती है, पिक्कस बोलते हैं इसको, इसके अंदर 35% वेट आया है, और जो ये फॉर्म है इस फॉर्म के अंदर 25 ग्राम इसका वेट आया है। तो लगभग ये जो फॉर्म निकलेगी आपकी 1 किलो में, लगभग 10% का रेशो इसका हो गया, बाकी PVC थोड़ी फॉर्म से ज़्यादा भारी हो गई, और 60% आपका ये हो गया। टोटल मिला के ये 125 ग्राम का मैंने मटेरियल लिया था, ये 125 ग्राम मटेरियल हमारा बाहर आ गया है। इसमें अब हम जो कॉपर के हिसाब से लेंगे, हमारा रेट हमेशा वही रहेगा पहले की तरह, कि कॉपर के अकॉर्डिंग ही हमने मटेरियल परचेज करना है। 60% रिकवरी के हिसाब से हमने कॉपर लेना है, प्लस में हमें ये जो फॉर्म है ये बहुत अच्छा प्राइस देती है, बहुत अच्छा इसका रेट निकल के आता है, ये हमारी वेस्ट में भी होती है और इसको हम सेल भी कर सकते हैं। ज़्यादातर लोग पिक्कस को बहुत कम परचेज करते हैं क्योंकि इसका रेट बहुत कम होता है। तो इस वीडियो में मैंने आपको दिखाया फिल्टर किसकी रिकवरी क्या है, और
M1.5 मॉडल में मैंने आपको निकाल के दिखाया, ये आपका 1 mm से लेकर के 55 mm तक का ये मॉडल आपका काम करेगा। इस मॉडल में आप ये फिल्टर वगैरह जो भी है ये इस तरीके का काम कर सकते हैं। इसमें आप वायरिंग भी कर सकते हैं 1 mm से 55 mm तक का, 1 mm से 55 mm तक आप एल्युमिनियम भी निकाल सकते हैं और इसी के अंदर आप फिल्टर जम्पर वगैरह का भी काम कर सकते हैं। ये मशीन हमारी आर्मर्ड नॉन आर्मर्ड दोनों पर काम करती है। तो आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में देखते हैं, आपके लिए कुछ नया लेकर के आते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।